ये है अगला सवाल फिर हमारा, इसमें क्या है, इसमें है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन, मतलब कि जहां पे एक दूसरे को ट्रांजेक्शन ये कर रहे हैं, सेल परचेस कर रहे हैं। पढ़ो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है लिली ज्वेलर्स हैज थ्री डिपार्टमेंट हुज पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 आर एज फॉलोस। तीन डिपार्टमेंट है, ए बी सी, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, ये सबका दे रखा है। अदर एक्सपेंसेस में कह रहा है रेंट रेट और इंश्योरेंस है 20,000 रुपए, और इन्होंने रेशियो बता दिया 1:2, 1:4 और 1:4, ये स्पेस का रेशियो है, इस रेशियो में बांट देंगे। सैलरीज कह रहा है 40,000 रुपए है, इसका रेशियो बता दिया 6:3:1। एडवर्टीजमेंट है 36,000 रुपए, डिस्काउंट है 13,500, जनरल एक्सपेंस है 18,000 रुपए, जो कि बटेगा कैसे, इक्वली। आगे आगे कह रहा है इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स वर, ये है बस नई चीज, क्या कह रहा है इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स में, कह रहा है ए जो है वो बी को बेचता है कितना, 20,000 रुपए, बी जो है वो ए को बेचता है 12,000 रुपए, बी सी को बेचता है 6,000 रुपए, ए सी को बेचता है 10,000 रुपए एंड सी ए को बेचता है 6,000 रुपए। कह रहा है प्रिपेयर करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म। ठीक है, अब इससे मोटा मोटा हमने ना यहाँ पे समरी बनानी है, क्या समरी बनानी है कि कौन किसको, जो अगर किसी को सेल कर रहा है तो सामने वाला उसको परचेज कर रहा होगा, तो दोनों जगह ही काम देगा। तो पहले जब हम सेल की बात करेंगे तो सेल की बात करेंगे ए को देखते हुए कि ए ने किस किस को सेल किया है, ए ने बी को सेल किया है 20,000 रुपए, और ए ने सेल किया नहीं किया, यहां किया नहीं किया, यहां कर रहा है कितना कर रहा है 10,000 रुपए, तो मतलब ए कुल मिला के सेल कितना कर रहा है 30,000, कुछ बी को कुछ सी को। बी सेल किस किस को कर रहा था, तो बी ने ए को किया, बी ने सी को किया, तो 12 और 6 18,000 रुपए टोटल सेल किया, और सी जो है सिर्फ ए को कर रहा है 6,000 रुपए सेल। ये तो हो गया सेल का नजरिया, अब देखना है किसका, परचेस का नजरिया। अब तो अब इस वाले को, सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को मतलब बी परचेस कर रहा है यहां पे, तो बी किस किस से परचेस कर रहा है, इससे परचेस किया, और बी कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, सेकंड पॉइंट में बी कहीं आ रहा है नहीं, तो बी ने सिर्फ एक ही परचेस किया 20,000 रुपए। ए देखो परचेस कहां से कर रहा है, यहां करा 12,000 रुपए, और कहां पे किया, यहां भी किया, तो टोटल ए की परचेस कितने हो जाएंगे 18,000 रुपए, और सी के परचेस यहाँ पे 6,000 रुपए, और यहाँ पे 10,000 रुपए, टोटल कितना हो जाएगा 16,000 रुपए। इस सेंस में बस सेल और परचेस को अलग अलग देख लेना है, बाकी सिंपल है और कुछ खास नहीं है। तो इस वाले पैराग्राफ को अगर छोड़ दूं तो ये पुराने क्वेश्चन के जैसा ही है, करते हैं पहले फिर उस वाले को उसके अंदर और ऐड कर देंगे। तो पहले तो फॉर्मेट बनेगा, और फॉर्मेट सेम टू सेम, ये तो बन गया हमारा फॉर्मेट। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ए है, बी है और सी है, ये हो जाएगा हमारा टोटल, ये हो गया हमारा पीसी। हेडिंग डालेंगे क्या, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इसमें था 31 मार्च 2009, पर्टिकुलर्स ए बी सी, और ये हो जाएगा टोटल। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीज अपने को दे रखी है, तो जो चीजें पहले दे रखी है उसको पुट करते हैं। तो अपने को चार चीजें पता होती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, ये चारों बटी बटाई है तो कुछ नहीं होता, बस देख के छाप देना है। तो सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 20, 10 और 6, 20,000, 10,000, 6,000, कुल मिला के 36,000। फिर परचेज दे रखा है, ये भी बटा बटाया है, 2,61,120, 2,61,120 टोटल हो जाएगा
480। इसके बाद अपने को सेल्स पता है, सेल्स पता है अपने को कितना, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, टोटल हो जाएगा 9 लाख। और बाय क्लोजिंग स्टॉक भी बटा बटाया पता होता है हमें जो दे रखा है हमारा। अच्छा इसमें ना इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें सेल और भी है, जो इंटर डिपार्टमेंटल सेल है ना वो भी आएंगी। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 8, 6 और 4, 8, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 18,000। ठीक है, अभी इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, जीपी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटर डिपार्टमेंटल सेल भी जाएंगे और इंटर डिपार्टमेंटल परचेज भी जाएगी, तो वो बाद में चली जाएगी। उसके बाद देखो क्या क्या चीजें पता थी अपने को, तो अपने को पता है रेंट्स एंड रेट्स। रेंट्स एंड रेट्स कितना पता था, 20,000 रुपए। तो मैं थोड़ी जगह छोड़ के लिख दे रहा हूं, ये है हमारा कितना, और इसका रेशियो पता है 1:2, 1:4, 1:4। तो जब भी ऐसा रेशियो पता होता है रेशियो को कॉमन करोगे, कॉमन कैसे करेंगे, 1:2 है, 1:4 है और 1:4 है, तो ये रेशियो में नहीं आएगा। जब रेशियो में आएगा तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना। तो जब ये 4 बनेगा तो ये क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2:4 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा, 2:1:1, शायद ये मैथ समझ में आ रही होगी। रेशियो के लिए डायनोमीटर सेम किया, डायनोमीटर में इसको भी 4 बनाएंगे तो इस ऊपर वाले को 2 हो जाएगा, ऊपर वाला 2, ये 1 और ये 1, तो 2:1:1 हो जाएगा। 20,000 को इसमें बांटेंगे तो ये बचेगा कितना, 5,000। ये हो गया। अगला दे रखा है सैलरी 40,000, रेशियो है 6:3:1। सैलरीज, अरे 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 अरे, सैलरी है टोटल 40,000, रेशियो है 6:3:1, तो 6:3:1 रेशियो में बटेगा कितना जाएगा, 24 और 4। अगला दे रखा था अपने को एडवर्टीजमेंट है और डिस्काउंट है, और इसमें रेशियो नहीं पता। देखो एडवर्टीजमेंट और डिस्काउंट में रेशियो नहीं पता, जिसमें रेशियो नहीं पता होता कॉमन सेंस लगाओगे। एडवर्टीजमेंट और डिस्काउंट जो हुआ होगा ये जनरली किस प्रपोर्शन में हुआ होगा, जिस प्रपोर्शन में इनकी क्या है, सेल है। तो सेल का रेशियो है 4:3:2, तो 4:3:2 में ही बटेगा एडवर्टीजमेंट भी और डिस्काउंट भी। और ये दे रखा है एडवर्टीजमेंट अपने को 36,000 रुपए, 36,000 को 4:3:2 में बांटो फटाफट, और डिस्काउंट दे रखा है 13,500। तो 4:3:2 कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9, 9 से इसको बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 4,000, तो ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा 16,000। 13,500 है, 4:3:2 अगेन 9 हो जाएगा, 9 को जब आप बांटोगे तो ये आएगा मेरा 1500, 1500 × 2, 3,000, 1500 × 2 = 3, 4500, और ये हो जाएगा हमारा 1500 × 4, 6,000। ये बट गया। इसके बाद जनरल एक्सपेंस दे रखा था, और जनरल एक्सपेंस में उसने कहा था कि बटेगा कैसे, इक्वली। और जनरल एक्सपेंस कितना दे रखा है, 18,000 रुपए। टू जनरल एक्सपेंस 18,000 रुपए, और इक्वली बांटेंगे तो इसको भी 6, इसको भी 6 और इसको भी 6। ये होगी सारी बातें खत्म। अब सिर्फ बचता है इंटर डिपार्टमेंटल सेल और परचेज, तो वो देखो कैसे करना है अपने को। तो वैसे तो हमें यहां पे साफ साफ दिख रहा है, अदरवाइज चाहो तो इसकी कैलकुलेशन बना सकते हो कि ए जो बेच रहा है वो कितना बेच रहा है, इसको दिया 20 और ए ने दोबारा इसको दिया 10, तो ए ने टोटल कितना सेल किया है, ये दिख रहा है बैक बैक में, चलो अच्छी बात है। तो बाय इंटर डिपार्टमेंटल सेल, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईटी सेल, इंटर डिपार्टमेंटल सेल। तो इसने कितनी करी है, तो देखो ए ने की एक तो 20,000 रुपए, और एक करी कितनी, इसको लिखने से थोड़ा फायदा क्या होगा ना कि ए ने 20 करी है किसको, बी को। अच्छा यहां तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा करते हैं इसको यहां लिखते हैं,
ये बी को करिए और ये सी को करिए, ए अपने आप को तो करेगा नहीं कभी भी ना। चलो बी ने देखो किस किसी को करी, तो बी ने करी किसको, ए को करी 12,000 रुपए, तो 12,000 ए को करी, और बी ने किसको करी है, 6,000 बी टू सी कितना 6,000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया ये 18,000 रुपए, और सी ने किसको सेल करी, तो सी ने सिर्फ एक करी थी, ए को 6,000 रुपए। खत्म हो गए सारे, ए को टोटल बता देना कितना हो गया, तो 30 हो गया। इसको एक साथ लिखना था, मैंने अलग अलग लिखा है ताकि ये पता लगे, अदरवाइज आपको एक साथ लिखना है इसको, 20 और 30 ये हो गया, 18 ये हो गया, 30 और 18 48, 48 और 6 54,000 रुपए, ये टोटल आ जाएगा। अब देखो इससे क्या पता लग रहा है कि ये ए ने सेल करी है बी को और सी को, तो बी ने परचेज किया है कितना, 20,000 बी ने यहां परचेज किया, और बी कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा सी ने देखो परचेज किया 10 यहां और 6 यहां, तो टोटल सी ने कितना परचेज किया, 10,000 और 6,000, 10,000 किससे खरीदा है, ए से, और 6,000 किससे खरीदा है, बी से। ये 20,000 अगर कहना चाहें तो किससे कह लेंगे, ए से। आगे देखो सी, अच्छा मैंने कल तो नहीं लिख दिया, नहीं सही तो लिखा, ए, ए ने कितना परचेज किया, तो 12,000 यहां से खर्च किया, 6,000 यहां से किया, तो 12,000 किससे किया है, बी से, और 6,000 किससे किया है, सी से। सिंपल है, इसको क्या बोलोगे, आई डी परचेज, इंटर डिपार्टमेंटल। इसको आप वर्किंग नोट में दिखा के लिख सकते थे, मैंने यही वर्किंग नोट जैसा बना दिया, बाकी मर्जी आपकी। टोटल बता दो तो ये कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ये 54, तो ये भी कितना रहेगा, 54,000 ही रहेगा, 12, 6, 18 और 20, 38 और 16, 54, ठीक है जी। ये खत्म हो जाता है, इसके बाद यहां से निकालोगे जीपी। अब इसके बैकग्राउंड को हटा देते हैं ना, ये निकल जाएगा जीपी हमारा, अब निकालना नहीं इसको, ठीक है ना, इसको कर लेना आराम से, खुद भी कर लोगे इसको, तो ये जीपी हो जाएगा और इस तरफ ये बाय जीपी ट्रांसफर हो जाएगा, देख लेना कहीं अगर लॉस आ रहा हो तो लॉस आएगा फिर, और फिर निकल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। बस इतना सा काम था, इंटर डिपार्टमेंटल सेल परचेज का ट्रीटमेंट बस ये था, ये आपको समझना था, बाकी सवाल ये भी पिछले जैसा ही था कि इधर सेल आ जानी है, बस उसको बारीकी से पढ़ना है ताकि पढ़ने में कोई गलती ना हो जाए, और ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब इस सवाल में जिक्र किसका नहीं है कि इन्होंने जो इंटर डिपार्टमेंटल सेल परचेज किया उसमें से कुछ बच गया कि नहीं बच गया, और बच गया तो उसका प्रॉफिट का दर कितना था, जिसको हम जिससे हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कॉन्सेप्ट करेंगे जो अगले सवाल में आएगा। इसमें उसकी चर्चा नहीं थी, इसमें सिर्फ इंटर डिपार्टमेंटल सेल था, उसका क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। अगर उसका क्लोजिंग स्टॉक भी होगा तो थोड़ा सा और एक लेवल अप चला जाएगा, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट। अभी कैलकुलेशन का पार्ट खुद से कर लोगे, उसको भर लेना आराम से, जो भी जीपी आएगा एनपी आएगा, एनपी निकल जाएगा। अब बसता है एक हमारा लास्ट टॉपिक जो है कि हमारा किसका, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। तो अगेन इसको ब्रेक कर देते हैं, छोटा रह जाएगा, और उसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।